दोस्तों, आपको यूनिप्स के बारे में पता ही होगा। अगर पता नहीं तो वीडियो आखिर तक देखिए, ये वीडियो आपके बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो आपके फोन में एक यूनिप्स का ऑप्शन मिलता है, एक फीचर मिलता है जिसके मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको पता ही नहीं तो आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ एनएफसी आखिर क्या है, इसे यूज कैसे करना है और इसके फायदे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदिनाथ, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुंडे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एनएफसी के बारे में। मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देना ताकि आपको रोजाना इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके मदद से क्या खर्चा आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन मीन्स यानी आपको नजदीकी जो डिवाइस होता है उसे ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है कनेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन कर पाता है। यानी आपके पास एक मोबाइल है और आपके दोस्त के पास एक मोबाइल है तो आपके दोनों फोन में एनएफसी का मोड अवेलेबल है, एनएफसी का फीचर अवेलेबल है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर ऐसे जो पास पास लेकर क्या कर सकते हैं, आपके दोनों डिवाइस ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आपका ब्लूटूथ वगैरह है, आपको आपका वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह है, आप क्या कर सकते हैं, अपने फोन में जो एनएफसी मोड है उसे ऑन करके जो आपका कोई भी वायरलेस डिवाइस है उसमें एनएफसी अवेलेबल है तो उसके पास में ऐसे सिर्फ आपको मोबाइल लेके जाना है और उसको 3 से 4 सेंटीमीटर यानी उसको एक बार टच करना है आपको, और टच करने के बाद आपका जो ये मोबाइल है उस ब्लूटूथ से उस वायरलेस डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो एनएफसी में 3 मोड्स होते हैं, जिसमें पहला वाला जो मोड है पीयर टू पीयर मोड, जिसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो मोबाइल का डाटा है अपने दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो दूसरा मोड है फ्रेंड्स, आपको जो रीडर राइटर मोड मिलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एनएफसी टैग है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनएफसी टैग क्या होता है। जो तीसरा मोड है कार्ड एमुलेशन मोड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका एनएफसी के मदद से कोई भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, यानी आपको एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको एनएफसी में 4 बड़े फायदे मिलते हैं तो ये हम जानते हैं। सबसे पहला वाला जो फायदा है पीयर टू पीयर मोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो मोबाइल है आपके पास ऐसे 2 मोबाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपना पूरा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, वीडियोज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आपके फोन में कोई भी डाटा है आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एनएफसी के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसकी जो स्पीड है 106 से आपको 424 तक मिलेगी कि जो स्पीड है प्रति सेकंड केबीपीएस के हिसाब से है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ब्लूटूथ के मायने से बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। इसमें आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी बचेगा और वो आप बहुत ही आसान तरीके से अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर कर पाओगे। तो दूसरा फायदा होता है वो एनएफसी टैग, जिससे एक चिप होती है, एनएफसी टैग एक छोटी सी चिप होती है जो आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी डाटा है वगैरह आप उसमें चिप में रख सकते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं। छोटी साइज चिप होती है जिसमें आप अपना पूरा डाटा वगैरह रख सकते हैं, अपना सिक्योर डाटा है, आपका कोई पासवर्ड वगैरह आपके जीमेल आईडी का, जैसे कि आपका वाईफाई आपके रूम में वाईफाई है तो आपको अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना पासवर्ड, तो आपका दोस्त जब आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली से आपको जो एनएफसी टैग है आपके पास उसमें आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है आपने डाल के रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका दोस्त जब आएगा तो आपको एनएफसी टैग उसको सिंपली से देना हो, और आपने जैसे ही वो अपना मोबाइल एनएफसी टैग को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली जो वाईफाई है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको उसको मोबाइल जो पासवर्ड है डालने की जरूरत भी नहीं। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी में वगैरह भी आप एनएफसी टैग लगा के आपको कोई भी कमांड दे सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कार में एक एनएफसी टैग लगा सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो नेविगेशन वाला गूगल मैप का भी कमांड रख सकते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी में जाते हो और एनएफसी टैग को ऐसे सिंपली से जो पास लेके जाते हो अपना डिवाइस मोबाइल, तो ऑटोमेटिकली जो आपके फोन में है गूगल मैप ओपन हो जाएगा और आपको कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं और आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली आपको नेविगेशन दिखाया जाएगा। दोस्तों, जो चौथा फायदा है एनएफसी पेमेंट, इसमें क्या कर सकते हैं, आप कार्डलेस लिए आपको कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी शॉपिंग करोगे तो आपको सिर्फ आपके फोन में एनएफसी मोड अवेलेबल होना चाहिए, उसके थ्रू आप अपना कोई भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपने आपको एनएफसी मोड में जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स होने चाहिए और आप कोई भी शॉपिंग करते हो किसी भी दुकान पे तो उस स्वाइप मशीन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसमें एनएफसी अवेलेबल होता है सारी स्वाइप मशीन में, तो आपको सिंपली से उसके पास ऐसे मोबाइल लेके जाना है और आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हो तो वहाँ स्वाइप मशीन अवेलेबल होती है, तो इसी तरह आप पेट्रोल डलवाओगे तो आपको बहुत देर वैसे पैसे वगैरह निकालने में देर लगती है, तो आप सिंपली से अपना मोबाइल निकालोगे उस मशीन स्वाइप मशीन के पास लेकर जाओगे, ऑटोमेटिकली जो आपका पेमेंट एनएफसी के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों, एनएफसी के सबसे बड़े 4 फायदे थे, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देना ताकि आपको रोजाना इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।